हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की। तो जिस तरह आपने देखा कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हमने देखी, इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझते हैं तो इट मीन्स आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट पे ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है, इसको गौर से सुनिए और याद रखिए, और ये बहुत ही ईजी भी है। देखें, सिर्फ 5 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोई मैनेजर होगा मोर और लेस यही 5 फंक्शंस कर रहा होता है। दोबारा से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और यही 5 हेडिंग्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की आपको सब मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगी। किसी जगह पर कुछ सिनोनिम वर्ड का डिफरेंस आ सकता है, मसलन लीडिंग की जगह किसी जगह पर कमांडिंग आ जाता है, स्टाफिंग की जगह कोऑर्डिनेटिंग आ जाता है, लेकिन मोर और लेस यही 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इन्हीं को हम आप आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसकी आपको साथ में एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। और प्लानिंग, यही प्लानिंग का सबसे पहला फंक्शन है। अच्छा, प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आती है किसी बिजनेस के लिए मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट से मुराद है कि इस वक्त दुनिया में क्या प्रॉब्लम है जो आप फिक्स करने जा रहे हैं, और आप उसे कैसे फिक्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ये रेस्टोरेंट बिजनेस की एग्जाम्पल लीजिए, इसमें आप प्रॉब्लम ये बता सकते हैं कि इस वक्त हमारे कंट्री में कोई फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये आपने प्रॉब्लम बता दी, और इसको आप ठीक कैसे करेंगे, आप ठीक कैसे करेंगे कि आप एक रेस्टोरेंट चेन बनाएंगे जिसमें फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड मिला करेगा डाइनिंग के लिए या टेक अवे के लिए, ठीक है। ये हो गई आपकी मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट सिर्फ एक होती है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। मिशन स्टेटमेंट के बाद विजन स्टेटमेंट आती है। एक्चुअली मिशन स्टेटमेंट में आपने बताया कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम है और आप उसे कैसे फिक्स करेंगे। विजन स्टेटमेंट ये है कि जब आपने वो प्रॉब्लम फिक्स कर ली, तब का आपका विजन क्या है, कि क्या आपने चेंज जो दुनिया में लेकर आए हैं, कैसी है वो चेंज नज़र आएगी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये अच्छा, दूसरी बात, विजन स्टेटमेंट जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक विजन स्टेटमेंट और दूसरी विजन स्टेटमेंट में कमोबेश 10 साल का डिफरेंस होता है। नॉर्मल विजन स्टेटमेंट जो है 5 से 7 साल तक चेंज नहीं होती। आफ्टर 7 ईयर्स आप नेक्स्ट विजन के लिए सोचते हैं, वो फिर ज़रूरत बन जाती है। आपका एक विजन जब अचीव हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये रेस्टोरेंट बिजनेस की एग्जांपल, ये आपका मिशन है कि फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड का आपने रेस्टोरेंट चेन बनानी है, क्योंकि अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। इसमें आपका विजन ये है कि अगले 5-7 साल में हमने एक एटलीस्ट अपने कंट्री में ये चेन इस्टेब्लिश करनी है। इंटरनेशनल का जो विजन है वो आप नेक्स्ट डेकेड में रख सकते हैं। वो फिर अब आपने एक विजन अचीव कर लिया, एक डेकेड में, 5 साल में 7 साल में 10 साल में आप जो एक विजन लेकर चले थे कि आपके कंट्री के मेजर सिटीज़ में फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट्स की ब्रांचेस हों, वो आपकी अचीव होगी। तो डेफिनेटली आपने विजन अपग्रेड करना है। इसलिए एक से ज़्यादा विजन स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें एटलीस्ट 7 ईयर्स का डिफरेंस होता है। अच्छा, विजन स्टेटमेंट के बाद आप अपने गोल्स सेट करते हैं। गोल्स होते हैं 3-5 ईयर प्लान, फ्यूचर प्लान, ठीक है। अब गोल्स के जरिए आप अपना विजन अचीव करते हैं। अच्छा, देखिए, हम जैसे पैरामिड में नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे पैरेलल डिसीजंस बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिशन स्टेटमेंट सिर्फ एक होती है, उसके बाद ये विजन स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत देर बाद चेंज होती हैं। उसके बाद गोल्स एट अ टाइम में एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 5 ईयर्स का गोल, एक गोल ये हो सकता है कि पाकिस्तान के सब मेजर सिटीज़ में आपकी अपनी ब्रांचेस होनी चाहिए फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट की, ठीक है, एक गोल आपका ये है। साथ ही आप ये भी गोल रख सकते हैं कि नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में हमारा अपना फार्म होना चाहिए जहाँ से सारा ऑर्गेनिक फूड का रॉ मटेरियल हमें मिले। ये एक दो गोल्स हो गए आपके, इससे ज़्यादा गोल्स भी आप बढ़ा सकते हैं। गोल सेट करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली 1 ईयर के प्लान होते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के फ्यूचर प्लान होते हैं कि आपने नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, उससे नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, उससे नेक्स्ट ईयर में क्या करना है।
अच्छा, अब अगेन जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स से ज़्यादा सेट करते हैं आप, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से ज़्यादा हो सकते हैं, आप अपने रेस्टोरेंट एग्जांपल में लें, आप कह सकते हैं कि हमने हर साल एक मेजर सिटी में कम से कम एटलीस्ट एक ब्रांच ओपन करनी है। साथ ही आप ये कह सकते हैं हमने हर साल ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश फूड के वेंडर्स नए ऐड करने हैं। साथ ही एक और ऑब्जेक्टिव आप ऐड कर सकते हैं कि हमने हर साल जो ये अपने जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सबको, सब ब्रांचेस को रेनोवेट करना है। इस तरह आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल से ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी तकरीबन 6 to 9 month फ्यूचर प्लान होते हैं। स्ट्रेटजी बनाते हैं आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसमें अब आपने एक ऑब्जेक्टिव आप ले लें, हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी होती है। आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हर साल आपने मेजर सिटी में एक ब्रांच ओपन करनी है, उसके अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि हम पहले प्रॉपर्टी सर्च करेंगे या फिर उसके लिए कंसल्टेंसी फर्म हायर करेंगे जो हमें अच्छी लोकेलिटी ढूंढ के देगी, या किसी प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आप बना सकते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपने मिशन स्टेटमेंट अपनी बताई, उसके बाद विजन स्टेटमेंट बताई, फिर गोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप अपने टैक्टिक्स सेट करते हैं। टैक्टिक्स मीन्स के आपका क्वार्टरली प्लान होता है, मतलब 3 months में, नेक्स्ट 3 months में आपने क्या अचीव करना है। और उसके बाद फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बजटिंग की तरफ आते हैं। बजटिंग, आपने कितना पैसा इस प्रोजेक्ट में कमिट करना है, कितना पैसा आपने मार्केटिंग के लिए रखना है, कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारा आपका प्लानिंग फेज होता है। ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अच्छा, अब जब आपने अपना इरादा कर लिया कि आपने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके लिए आपने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली, प्लानिंग से मुराद मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टैक्टिक्स और आपकी बजटिंग सारी कंप्लीट है, उसके बाद आप जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पर आपको बहुत सारी बुक्स लिखी हुई मिलेगी। अच्छा, होता ऐसा है कि जब आपको किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मिल रहा हो ना, तो उसमें फिर फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट की बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें दो चीज़ें, टाइम एंड प्लेस मैनेजमेंट। जब भी आप टाइम एंड प्लेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अब आपकी एग्जांपल पे आते हैं, आपने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने प्लानिंग कर ली हुई है, आप किस जगह रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ये देखेंगे जिस जगह पर आपने खोलना है वो क्या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी जगह है, वहाँ पर पार्किंग इश्यूज तो नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट के सारे रूल्स कंप्लाई इजीली हो सकते हैं, जगह अवेलेबल भी है कि नहीं, ये सब कुछ सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद फिर आप उसकी इनर डायमेंशंस पे आते हैं कि कस्टमर्स का सिटिंग प्लान क्या होंगे, किचन किस तरफ होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप इनर एंड आउटर डायमेंशंस मैनेज करने के बाद फिर आप नेचुरली टाइमिंग फैक्टर पे आते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग टाइमिंग क्या होगी, क्लोजिंग टाइमिंग क्या होगी, आपके एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस टाइमिंग क्या होगी, ठीक है ना, और कब आपका टाइमलाइन क्या है, लॉन्चिंग टाइम आपका क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब आप क्या कर रहे हैं, टाइम एंड प्लेस मैनेज कर रहे हैं। टाइम एंड प्लेस अरेंजमेंट मीन्स आपने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। पहले आपने प्लानिंग की, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग की, इसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद अब टाइम है कि आपके जितने भी ये सारे प्लान्स रेडी हैं, जितने भी आपने थिंकिंग है, आपकी वर्किंग है, इसको अब एक्शंस में परफॉर्म करें, ठीक है। और एक्शंस के लिए ज़रूरी है आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, ठीक है। एक्शंस बंदे परफॉर्म करते हैं, अभी हम इतने एडवांस दौर में नहीं गए कि सारा कुछ रोबोटिक्स आके कर दें, तो वी नीड पीपल। अब आपने जब आपके प्लान्स रेडी हैं, आपने जगह भी अरेंज कर ली, आपने टाइमलाइन भी सोच लिया कि इस डेट को मैंने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च करना है, ठीक है, तो आपको बंदे चाहिए। बंदे आप हायर करेंगे, आप लोगों को हायर करेंगे, ये अब आ जाता है स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन है, ये एग्जैक्टली जैसे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है ना, वो एक्चुअली स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें अब आप HR की बेसिक सारी जानते हैं, CV कलेक्शन, फिर स्क्रीनिंग, फिर इंटरव्यूइंग, फिर सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, फिर उसके बाद असाइनिंग द अप्रोप्रिएट जॉब टू द राइट पर्सन, और फिर अपॉइंटिंग गुड पीपल ऑन अप्रोप्रिएट
जॉब डिस्क्रिप्शंस और इस तरह के, फिर उनको एम्प्लॉय सिलेक्शन के बाद, स्टाफ मेंटेन करने के बाद, एम्प्लॉय रिटेंशन, फिर उनकी मोटिवेशन, फिर उनके ये सारी चीज़ें जो एचआर में होती हैं, ये स्टाफिंग फंक्शन है। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना स्टाफिंग, ये आपको कुछ बुक्स के जो लेटेस्ट वर्जन होंगे, पीटर ड्रकर की बुक आप देख लें, फॉयल की बुक देख लें, या फिर उसके अलावा अगर आप विकीज पे जाते हैं, स्पेशली इंटरनेट पे, कोरा पे आप चेक कर लें, या फिर आप answer.com, wikipedia.com, इन पे जाएंगे ना, तो आपको अक्सर जगह पे स्टाफिंग की जगह या तो रिप्लेसमेंट या साथ ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और मुझे भी खुद पर्सनली कोऑर्डिनेटिंग पसंद है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कि आपने खाली स्टाफिंग, खाली बंदे रख के खाली आपने हायरार्की नहीं बिल्ड करनी, वो डेफिनेटली करनी है, लेकिन अकेला वो काम नहीं करना। आपने हायरार्की तो बिल्ड कर ली, उसके बाद आपने एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम से मुराद है कि जब से ये आईटी सिस्टम्स पॉपुलर हुए, पॉपुलर के अब तो एक नेसेसिटी बन गया हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, लेकिन स्पेशली MIS सिस्टम सबसे पहले आया, फिर SAP सिस्टम आया, फिर और बहुत सारे ERP सिस्टम्स आए। ये डिपार्टमेंट, ये सिस्टम, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है कि खाली आपने हायरार्की बना के और चेन ऑफ कमांड बना के छोड़ नहीं देना काम, वहाँ पे HR का काम किसी हद तक कंप्लीट हुआ, काफ़ी हद तक नहीं भी हुआ, उनकी सब लोगों की आगे से कोऑर्डिनेशन, सब लोगों ने अगर अपना थ्रू IT बात करें, थ्रू सिस्टम बात करें, 80s में 70s में ऐसा होता था कि सारा कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स के थ्रू होती थी और टेक्निकल राइटिंग और बिजनेस राइटिंग वाज इनफ, लेकिन अब स्टाफिंग को वर्ड रिप्लेस करके कोऑर्डिनेटिंग भी कई जगह पे यूज़ होता है कि एक आप हायरार्की बनाएं, आप स्टाफिंग करें और साथ ही उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी बनाएं। तो ये आपका हो जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीन फंक्शंस आपके कंप्लीट हो गए मैनेजमेंट के। स्टाफिंग के बाद आपके पास एक बड़ा मज़े का आता है फोर्थ फंक्शन, वो है लीडिंग। ठीक है, अच्छा लीडिंग से मतलब क्या है? लीडिंग से मतलब ये है कि अब आपने अपना स्टाफ इकट्ठा कर लिया, आपने लोग इकट्ठे कर लिए, ठीक है, आपने प्लान्स बना लिए हैं, आपका आइडिया था, आप मास्टरमाइंड है, ये सब कुछ आपके माइंड से चल रहा है काम, तो आपने लोगों को फिर फ्रंट से लीड भी करना है, आपने किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज बहुत सारी मिलेंगी, अथॉरिटेरियन कई होते हैं, कोई डेमोक्रेटिक स्टाइल होते हैं, कोई कंजर्वेटिव होते हैं, कोई बहुत मैक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आती हैं। तो इसको भी, लीडिंग को भी काफ़ी जगह पर अब वर्ड रिप्लेस करके कमांडिंग आपको मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड लेटेस्ट वर्जन की बुक्स में या लेटेस्ट विकीज में, इंटरनेट में आपको लीडिंग की जगह कमांडिंग वर्ड मिलेगा। उसकी रीज़न ये कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्राइवेट नहीं होती, गवर्नमेंट की भी होती है, स्पेशली आर्मी भी होती है, और आर्मी के अंदर काफ़ी सारी डिवीजन्स होती हैं, और मैनेजमेंट वहाँ पर भी अप्लाई होती है, बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होती है, तो वहाँ पे लीडिंग के से ज़्यादा ज़रूरी होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमांडिंग। तो एक तो वो बात, इस वजह से कमांडिंग वर्ड यूज़ होता है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, लेट्स सपोज आपका रेस्टोरेंट है, आपका मल्टीनेशनल में चला जाता है, तो अब आपने हर लेवल के स्टाफ को खुद पर्सनली जाकर तो लीड कर नहीं सकते ना, कि आप आईटी डिपार्टमेंट में भी खुद लीड कर रहे हो, एचआर में भी खुद लीड कर रहे हो, आप वेटर्स को भी खुद लीड कर रहे हो, आप शेफ को भी लीड कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ऑर्डर्स कमांड इशू करते हैं, वो फिर आपके जो कंसर्न एम्प्लॉयज, कंसर्न स्टाफ, कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कैरी आउट करते हैं। इस वजह से अक्सर लीडिंग थोड़ा सा आप कह लें पुराना वर्ड आ जाता है, इसी को थोड़ा रिप्लेस करके बिगर साइज के लिए, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के अलावा ये मिलिट्री और फिर लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को भी कवर करने के लिए कमांडिंग वर्ड यूज होता है। सो दिस वाज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। गाइज, आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये चार फंक्शन परफॉर्म कर लिए, ठीक है। फाइनल फंक्शन, लास्ट फंक्शन बट नॉट द लीस्ट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का होता है कंट्रोलिंग। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग ही एक्चुअल मैनेजमेंट है, जो बंदा कंट्रोलिंग कर रहा है दैट मींस ही इज परफॉर्मिंग मैनेजमेंट, एंड जो बंदा बाकी सारा कुछ कर रहा है, कंट्रोलिंग नहीं कर रहा, दैट मींस ही इज नॉट अ मैनेजर, ठीक है। और
कंट्रोलिंग इज सिनोनिमस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहाँ पर मैनेजमेंट हो या ना हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग मीन्स, कंट्रोलिंग में याद रखिएगा तीन चीज़ें आती हैं. कंट्रोलिंग कैसे होती है, तीन स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के. क्या? नंबर वन, मेजरिंग योर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू योर प्लान्स, कि आपकी अभी जो प्रोग्रेस है, अपनी प्रोग्रेस को आपने जो प्लान्स बनाए थे फर्स्ट फंक्शन में, उन दोनों चीज़ों को मैच करते हैं. ठीक है. नंबर टू, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स. ठीक है, समझ आई? आइडेंटिफाइंग द टेंजेंट, के आपने यहाँ से यहाँ तक जाना था, ये आपका प्लान था, लेकिन आपने अपनी प्रोग्रेस को जो मॉनिटर करना शुरू किया तो आप यहाँ पहुँच गए. ये इधर आने की बजाय जो इधर चले गए, दैट इज़ अ टेंजेंट. टेंजेंट को आइडेंटिफाई करना सेकंड स्टेप है, कि कहाँ प्रॉब्लम आई. ठीक है. थर्ड स्टेप है रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम, कि आपने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना था, आपने प्रोग्रेस मॉनिटर की, मैच किया उसको अपने प्लान्स के साथ, और आपको प्रॉब्लम फिर आइडेंटिफाई आपने कर ली कि क्यों आपका मिसमैच आ रहा है. थर्ड स्टेप है कि उसको आपने रेक्टिफाई करना है, प्रॉब्लम को ठीक करना है. मैं रिपीट करता हूँ, कंपेयरिंग योर प्लान्स विद योर प्रोग्रेस. नंबर टू है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. नंबर थ्री है रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम. ये तीन स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के. और आप जब कंट्रोलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दैट मीन्स यू आर अ गुड मैनेजर. और अगर आपकी कंट्रोलिंग ठीक नहीं है तो यू आर नॉट इवन अ मैनेजर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन शायद यही है मैनेजमेंट का. तो डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ. थैंक यू.